महाराष्ट्र के नासिक जिले में आए हुए त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यानी कि त्र्यंबकेश्वर की यात्रा आप कैसे कर सकते हैं, कैसे वहां पे जा सकते हैं, यहाँ पे रहने की सुविधाएं क्या क्या है, यहाँ पे खाने की सुविधा क्या है और कौन कौन से स्थल यहाँ पे देखने लायक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप नासिक कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप बाय रोड आ सकते हैं, बाय ट्रेन आ सकते हैं और बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। बाय रोड आप बस के द्वारा आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं, क्योंकि गाड़ी से भी यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको उतरना होगा नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर। नासिक रोड रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आप बस के द्वारा ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट के द्वारा आना चाहते हैं तब भी आपको नासिक एयरपोर्ट पर उतरना होगा। नासिक एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको मेला बस स्टैंड पर आना है। मेला बस स्टैंड से आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए बस मिल जाती है या फिर आप ऑटो से भी वहां पे जा सकते हैं। तो दोस्तों नासिक में हम आपके स्टे की बात करें कि आप कहाँ पे स्टे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट होटल्स और धर्मशाला दोनों मिल जाती है, तो आप अपने हिसाब से अपना स्टे चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें धर्मशाला की, जो कि काफी रिजनेबल होती है और काफी सुविधादायक भी होती है, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो धर्मशाला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे धर्मशाला की हम बात करें तो यहाँ पे आई हुई है श्री माहेश्वरी भक्त निवास धर्मशाला, दूसरी धर्मशाला जो है वो हृदयेश्वर भक्त निवास है और तीसरी धर्मशाला की हम बात करें तो ये है श्री गंगागिरी महाराज आश्रम, जहाँ पे भी आप ठहर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मंदिर के नज़दीक ही ये धर्मशाला आई हुई है तो यहाँ पे भी आप ठहर सकते हैं। बजट फ्रेंडली होती है धर्मशाला, तो आपको यहाँ पे बजट के हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इस धर्मशाला के बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं होगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा भी इन सभी धर्मशाला का वीडियो देख सकते हैं। अगर हम खाने की सुविधा की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे खाने की सुविधा अगर आपको अपनी होटल या फिर धर्मशाला में से मिल जाती है तो वो तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप वहाँ पे ही अपना लंच डिनर या फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी धर्मशाला या फिर होटल में से यहाँ पे खाना प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो आप दोस्तों खाने की चिंता मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सारे फूड स्टॉल और लोकल रेस्टोरेंट्स आए हुए हैं जहाँ पे भी आप अपना लंच डिनर या फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो खाने की सुविधा के बारे में आप निश्चिंत हो जाइए, यहाँ पे आपको खाना मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं मुख्य मंदिर में दर्शन की। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में आप दर्शन के समय की बात करें तो ये मंदिर सुबह 5:30 से लेकर 8 बजे तक यहाँ पे खुला रहता है, तो आप उस दौरान दर्शन कर सकते हैं। हम दर्शन के लिए श्रेष्ठ समय की यहाँ पे बात करें तो मंदिर खुलने के बाद 7 बजे तक का समय दर्शन के लिए श्रेष्ठ होता है, क्योंकि तब वहाँ पे रुद्राभिषेक भी किया जाता है और तब जो ज्योतिर्लिंग के ऊपर का आवरण होता है वो यहाँ पे ढका हुआ नहीं होता है, तो आप संपूर्ण ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं और वहाँ पे भीड़ भी इस समय कम होती है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। और यहाँ पे हम एक बात आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पे मंदिर में आपको फोन अलाउड किया नहीं जाता है, तो आप अपने साथ लाए गए फोन और कैमरास को एक सुरक्षित जगह पे रख के ही मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जाए। तो मुख्य मंदिर में दर्शन कर लेने के बाद अगर हम बात करें साइट सीइंग की, नासिक में आप कौन कौन से जगह पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप दर्शन के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे ट्रैकिंग लवर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह आई हुई है। तो सबसे पहली जगह है यहाँ पे कुशावर्ता तीर्थ। कुशावर्ता तीर्थ वही जगह है जहाँ पे लोग स्नान करने के बाद ही त्र्यंबकेश्वर मंदिर में दर्शन को जाते हैं, तो यहाँ पे आके आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ पे स्नान करना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। दूसरी जगह की बात करें तो यहाँ पे आया हुआ है ब्रह्मगिरी पर्वत, जहाँ पे आपको 1500 सीढ़ी चढ़ के जाना होगा। वहाँ से ही गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, तो आप वो भी वहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आया हुआ है अजनेरी पर्वत, जिसके ऊपर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। ट्रैकिंग लवर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे आपको कुदरती सौंदर्य देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए। और एक यहाँ पे जगह है गोरखनाथ की गुफाएं, तो इन गुफाओं के भी आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, आप वहाँ पे घूम सकते हैं।
यहाँ पे अगर हम लोकल स्थल की बात करें तो यहाँ पे पंचवटी के पास ही सीता गुफा आई है। सीता गुफा वही जगह है जहाँ पे वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता माता यहाँ पे इन गुफाओं में ठहरी थी। तो आप इस गुफाओं के भी दर्शन कर सकते हैं। पंचवटी भी एक जगह है जाने को, जहाँ पे 5 वट वृक्ष आए हुए हैं, तो आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे नजदीक ही आया हुआ है कालाराम मंदिर। यहाँ पे मंदिर में भगवान राम की जो मूर्तियां बनी है वो काले रंग के पत्थरों से बनी है, इसके लिए इसको कालाराम मंदिर कहा जाता है। तो और एक स्थल यहाँ पे आया हुआ है जिसे गोरे राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में जो भगवान राम की मूर्तियां है वो आरस के पत्थरों से बनी है, इसलिए इसे गोरे राम मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है और आज भी अपने स्थान पर ऐसे ही खड़ा हुआ है, इसलिए इस मंदिर का काफी महत्व है। लोग काफी मात्रा में यहाँ पे दर्शन को आते हैं। यहाँ पे आया हुआ है पंचवटी घाट, जहाँ पे 4 साल में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। तो आप यहाँ पे भी आके स्नान कर सकते हैं। यहाँ पे स्नान करना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पे गोदावरी नदी भी है, तो आप उसमें भी स्नान कर सकते हैं। और एक जगह की हम बात करें तो यहाँ पे आया हुआ है तपोवन, जहाँ पे भी आके आप देख सकते हैं। तपोवन वही जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी, तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। वहाँ पे रामायण के कई दृश्य आपको दिखाए गए हैं, तो वो सब भी आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इन सभी जगहों पे कैसे जा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी जगहें मंदिर के 15 किलोमीटर के एरिया में ही आई हुई है। तो आप ऑटो का सहारा ले सकते हैं, ऑटो के माध्यम से आप इन सभी जगहों पर घूम सकते हैं। आप अपनी पर्सनल कैब भी बुक करा सकते हैं, लेकिन ऑटो आपको ज़्यादा रिजनेबल रहेगी, तो आप ऑटो के माध्यम से सभी जगहों पर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी जगहों पर जाने के लिए आपको 1 से 2 दिन जितना समय लग सकता है, इन सभी जगहों पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपनी यात्रा का शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। और हम बात करें कि अगर आपको इस यात्रा के बारे में कोई भी सवाल है, कोई डाउट्स है या फिर क्वेरी है, तो आप हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपको अवश्य ही रिस्पॉन्स मिल जाएगा। नए नए अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज। आप वहाँ पे भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, हमारी टीम के द्वारा आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।